लैंड क्रूजर की चाबी कहाँ पे है? चाबी गाड़ी के अंदर ही है भाई। वर्कशॉप में माशाल्लाह काम लगा हुआ है काफी। वही गाड़ी तो सो गई है स्टार्ट। जान भाई स्टील बेल्ट नहीं लगाई हुई, वो तो लगा लो भाई। आप यार लगाने लगा मैं, थोड़ी गाड़ी साइड पे लगा लो। रिपोर्ट का रास्ता है इधर से, रिंग रोड से भजन। ये गाड़ी आ गया ट्रेलिंग पे। क्या बात है। तो कशान भाई इसके अंदर लगा के गाड़ी ट्रेल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, ऑटो चैनल वन से फैजान अली यार। आज का ब्लॉग बड़ा अमेजिंग होने वाला है। गाड़ी जा रहे हैं ट्राई पे लेके, तो इंशाल्लाह गाड़ी बड़ी बेहतरीन गाड़ी तैयार की है और माशाल्लाह 4 महीने की हमारी उसके ऊपर ना जो वर्किंग है। एक गाड़ी तैयार करने में 4 माह लगे हमें उस गाड़ी को तैयार करने पे। आज फाइनली डिटेलिंग के ऊपर छोड़ने भी जाएंगे और उस गाड़ी को ट्राई भी लेंगे रास्ते में। और इंशाल्लाह अभी निकलते हैं, थोड़े भाई बैठे हुए इनसे भी थोड़ी सी बात करेंगे। नवीद भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई जान? ठीक ठाक है भाई जान? रहमान भाई आप ठीक हैं यार? खाना खा लिया माशाल्लाह सर? फास्ट फूड पे। और ये जहीर भाई हमारे पास मेहमान है और अल्लाह के मेहमान बनने वाले हैं थोड़े दिन तक। तो इंशाल्लाह जा रहे हैं, ब्रेक नहीं जा रहे कमरे पे जा रहे हैं, कमरे पे जा रहे हैं। और भाई जान जैसा आपके सफर है रास्ते में थोड़ी सी जहीर भाई व्लॉगिंग करनी है आपने और हमारे पेज के लिए भी और हमारे लिए भी दुआ करनी है। हमारे जो क्राउड और ऑडियंस हमें देखती है उनके लिए भी दुआ करनी है भाईजान, इंशाल्लाह भाईजान। और ये अब्दुल रहमान भाई भी जा रहे हैं जी भाईजान। कहाँ पे जा रहा थोड़ा तू भाईजान? उमड़ा कर रहे हैं। कब निकल रहा है? इंशाल्लाह अगली पीर को। अगली पीर को। लो जी माशाल्लाह दफ्तर में बैठे हुए थे, बहुत अच्छा माहौल था, अभी खाना खाया। तो अभी निकलते हैं गाड़ी की तरफ। तो नवीद भाई कुछ कहना चाहेंगे यार? इंशाल्लाह बेहतरीन गाड़ी जो है तो तैयार हुई है जी सर। और ट्राई करते हैं जी सर, देखते हैं क्या क्या कमियां रह गई हैं जी सर। ले जी इसी के साथ मुझे अभी इजाजत है, अभी गाड़ी पे मिलते हैं आपको। अभी फाइनली माशाल्लाह गाड़ी के पास आ चुके हैं यार, अभी निकलते हैं गाड़ी के ऊपर, गाड़ी की लेंगे ट्राई। तो फाइनली देखेंगे गाड़ी का मीटर कहाँ तक जाता है आज। तो निकलते हैं। अब्दुल रहमान भाई चाबी दे दे यार गाड़ी की। लैंड क्रूजर की चाबी कहाँ पे है? चाबी गाड़ी के अंदर ही है भाईजान। नहीं गाड़ी के अंदर नहीं है। मैं जैसे गाड़ी की तरफ आ रहा हूँ भाईजान, नई चाबी मिल रही मुझे। वही गाड़ी तो सो गई है स्टार्ट, गाड़ी की चाबी भी ओके है लेकिन चाबी है कहाँ पे ये ढूंढना पड़ेगा हम लोगों को, ये ढूंढना पड़ेगा। अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान भाई गाड़ी का कोई दरवाजा खुला होगा, गाड़ी का दरवाजा बंद कर दो। वो बड़ी है चाबी, मिल गई, मिल गई चाबी। माशाल्लाह हाफ है गाड़ी की, निकलते हैं। ओके करें जी। वर्कशॉप में माशाल्लाह काम लगा हुआ है काफ़ी। जहीर भाई भी वो आगे डील कर रहे हैं किसी भाई को, ये कस्टमर भी आए हुए हैं डाला लेने के लिए, तो इंशाल्लाह डाला भी देंगे इनको फाइनली। तो भाई जान ये गाड़ी का बोनट भी कंपाउंड हो रहा है, माशाल्लाह काफ़ी काम लगा हुआ ऑटो चैनल वन पे। और अभी निकलते हैं यार फाइनली, तो इंशाल्लाह रास्ते में भी गपशप रहेगी आपसे। जान भाई स्टील बेल्ट नहीं लगाई हुई, वो तो लगा लो भाई जान। आप यार लगाने लगा हूं मैं, थोड़ी गाड़ी साइड पे लगा लो। तो इंशाल्लाह भाई जान मैं गाड़ी को सबसे पहले सीट बेल्ट ही लगाऊंगा, इसकी वजह ये ज़रूरी है और गाड़ी साइड पे लगा के ही लगाना ज़रूरी है। आपको पता है भाई जान रोड पे जो है वैसे चलाती चलती गाड़ी पर तो मुश्किल है। और बाकी अब्दुल रहमान भाई अंदर से बड़ी प्यारी गाड़ी बनी है यार, माशाल्लाह माशाल्लाह। गाड़ी पे डस्ट ज़रूर है अभी तक, ये डस्ट ही खत्म करने के लिए लेके जा रहे हैं आपको पता अब्दुल रहमान भाई। ऐसी है भाई, फाइनली गाड़ी को भजन टेस्ट ड्राइव भी दिलवाएंगे और गाड़ी आपको सारा मेकिंग भी दिखाएंगे, तो मज़ा आने वाला है आज का व्लॉग। मैं यही कहूँगा किसी को भी सबको कि मिस नहीं करना यार, मजे की चीज़ है। जान भाई किधर पहुँच गया भाई जान? यार अभी नहर पे है, तो थोड़ा सा मुझे वाया मिला था, तो आपको पता नहर पे जरा रश भी होता है और आम भी जगह होती है। अभी बांसफोड़े से पास से थोड़ा सा, तो ये अभी भी 80-90 पे जा रहे हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी आप ब्रेक लगी आरपीएम थोड़ा नीचे आया, तो यार बेहतरीन ड्राइव है, टेस्ट ड्राइव में इतनी ईजी है कि मैं स्टेयरिंग छोड़ के भी अगर गाड़ी चलाऊँ ना तो बेहतरीन क्वालिटी है, मतलब कोई टेंशन कोई मसला प्रॉब्लम नहीं है इसमें।
और बहुत स्मूथ है, कोई शोर नहीं है। अभी रिंग रोड पे गाड़ी चलाएंगे और फाइनली फिर टेस्ट ड्राइव आपको दिखाएंगे यार, क्या अमेजिंग मजा है यार। गाड़ी का इतनी लग्जरी और जेन्युइन लग रहा है, लोग देखने वाले हर बंदा गर्दन निकाल निकाल के बाहर देख रहा है कि जेन्युइन क्रूजर जा रहा है जैसे 15 से 16 करोड़ वाला। और अल्हम्दुलिल्लाह ऑटो चैनल वन का कमाल एक मतलब जादुई एक सिस्टम है कि आपको पता है जो करते हैं मेहनत पूरी और लगन से, और अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुलरहमान भाई दिखाएं तो ये गाड़ियाँ देख रुक रुक के जा रही हैं हमें गाड़ियाँ के यार, ये वाकई 16 करोड़ वाला क्रूजर जा रहा है। तो अभी फाइनल चलते हैं रिंग रोड पर, फिर टेस्ट ड्राइव देंगे इस गाड़ी की। और फिर हम लोग पॉइंट में आ गए हैं, थोड़ा सा ये रिंग रोड वाले भाई से भी बात करेंगे, तो इंशाल्लाह चलते हैं रिंग रोड पे। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या हाल है सर, कैसी तबीयत सेहत है सर? ठीक हो बॉस, कितों दे हो जंग दे बलोच हो जालम को हमें जालम को हमें सर गड्डी ठीक बनी है ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਆਟੋ ਚੈਨਲ ਵਨ ਉਤਾਰੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੋਹਣੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਰਹੋ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹੋ ਭਾਜਾ ਅਭੀ ਇਹ ਦੇਖੀ ਸੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੋਂ ਚੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਬਦੁਲਰਹਿਮਾਨ ਭਾਈ ਦਿਖਾਏ ਤੋ ਇਹ ਵਿੰਡੋ ਕਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦਿਆ ਮੈਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਐਕਸਲੇਟਰ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਗਾੜੀ ਕੋ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਭਾਈ ਜਾਨ अभी ये थोड़ा टेस्ट ड्राइव रिंग रोड पे चढ़ लें, जरा आपको दिखाते हैं भाईजान इसकी टेस्ट ड्राइव गाड़ी की। तो ये भाईजान आ गए रिंग रोड के ऊपर, तो पहला जो आरपीएम हम लोग देंगे इसको चला 100+ जाएंगे, डिफरेंस मारेंगे इस गाड़ी के ऊपर। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल रहमान भाई कितनी स्पीड है? अभी ना अभी आगे मेरा कैमरा मैन अब्दुलरहमान भाई कैमरा आगे दिखा, तो आ गया ब्रेक, तो 120 में भाई आ गया रिंग रोड पे ब्रेक। तो अभी हम ब्रेक लगा के आएंगे थोड़े नीचे, उसकी वजह है कि रिंग रोड पे जितना हो सकता है। और यार अब्दुलरहमान भाई कोई भी शोर शराबा नहीं है गाड़ी के भाई जान, कोई हल्की सी भी जो से कहते हैं ना शोर बाहर से अंदर आ रहा है वो नहीं है कुछ भी। दूसरे दारों की गाड़ियां देखते हैं तो ऐसे लग रहा होता है जैसे हवाई जहाज में बैठे हो, इतना शोर होता है। इसी तरह भाई अब्दुलरहमान भी बड़ा शोर होता है और बड़ा निजाम खराब होता है, बंदा अंदर गुफ्तगु नहीं कर सकता। हम लोग गुफ्तगु इजीली कर रहे हैं और दिन की रोशनी में कर रहे हैं। अभी सूरज है, ये नहीं कि रात है तो सन्नाटा है, दिन की रोशनी में गुफ्तगु कर रहे हैं और हमें एक सेकेंड या एक पल की भी कोई टेंशन नहीं हो रही इसमें, और इजीली गुफ्तगु हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी के साथ ये फिर दिखाते हैं व्यू, बड़ा प्यारा है जी लाहौर का अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है रिंग रोड का जाल जैसे बिछा हुआ है हमारे लाहौर शहर में, तो ये बड़ा बेहतरीन है। अभी फिर इसका थोड़ा मीटर मारेंगे, कोशिश करेंगे जरा आरपीएम ऊपर तक जाए जरा, तो जरा टेस्ट ड्राइव जरा अच्छी हो जाए गाड़ी की। तो अभी हमें थोड़ी सी स्पेस मिली है, तो गाड़ी भाई जान ये जा रही है, कहाँ तक चला गया मीटर अब्दुलरहमान? 130 के करीब। भजन माशाल्लाह हमारी 140 पे गाड़ी पहुंचने वाली है, इसमें कुछ भी शोर नहीं आ रहा, कोई शोर शराबा नहीं है जी। आगे फिर ब्रेक आ गई है, कट आ गया हल्का सा, गाड़ी की नीचे उतरना है वो आगे खड़ोता गाड़ी है एक समीप का। तभी आपको ये दिखाते हैं ये ट्रक साहब, भी आपको पता है ये तो शहर में चलते हैं तो मसला प्रॉब्लम तो करते हैं। अब्दुलरहमान भाई थोड़े दिन तक आपको इधर से अलविदा करेंगे, ये ब्रिज ऊपर चढ़ाएंगे, अपने मेहमानों को सबको दिखाएं कि ये रिपोर्ट का रास्ता है इधर से रिंग रोड से। इंशाल्लाह आपको ये ब्रिज जो जा रहा है लेफ्ट साइड पे, ये ब्रिज के ऊपर जाएंगे। ये ब्रिज हमारे लाहौर शहर से सीधा जाता है, जो जो तो एयरपोर्ट पे जाते हैं लोग उनको तो पता है, ये तो ये ब्रिज सीधा ऊपर जाता है। ये कहाँ पे जाता है अब्दुलरहमान भाई? ये एयरपोर्ट पे जाता है, एयरपोर्ट पे जाता है। तो इंशाल्लाह आपको डिलीवर करने आएंगे थोड़े दिन बाद, आप जा रहे हैं उमरे पे, तो हमें बड़ी खुशी है अब्दुलरहमान भाई आपकी। तो बड़ा यार ये लाहौर की ये खूबसूरती है कि देखें जैसे दरख्त लगे हुए साइडों पर, माशाल्लाह ग्रीनरी है और बड़े रोड हैं यार, कमाल मज़ा है। लाहौर शहर का यही मज़ा है कि मिनटों में आप घंटों के सफ़र तय कर लेते हैं। तो अभी मैं रिंग रोड पे अभी चढ़ा हूँ, आपको अभी रिंग रोड पे चलते दिखाया थी वीडियो। तो फाइनली हम अल्हम्दुलिल्लाह और 3 मिनट बाद बटा चौक पहुँच जाएंगे जहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर। वैसे अगर इस गाड़ी को नीचे से ले गए रिंग रोड से नीचे से, तो ये अब्दुलरहमान भाई एक घंटे का सफर तो मान जाता है भजन, एक घंटे से भी ज़्यादा लग जाता है क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है, रश बहुत ज़्यादा होता है। अगर यही सफ़र हम रिंग रोड पर करें एक घंटे वाला, 5 मिनट में हो जाता है यार। ब्रेक फ्री है, मतलब जिसने उतरना वो नीचे जाएगा, जिसने चलानी है ऊपर रहेगा।
ऐसे ये करोला भी देखे हैं हमारे, थोड़ी सी आगे से नीचे जा रही है गाड़ी, तो ये ट्रैक पे चल रही है, अपने अपने ट्रैक पे हर बंदा रहता है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजा आता है इसमें। ऐसे लगता है जैसे इस्लामाबाद जा रहे हैं मोटरवे से। अब्दुलरहमान भाई ऐसे ही है भाईजान, तो बड़ा मजा आता जी भाईजान अल्हम्दुलिल्लाह। भट्टा चौक ये देखे जी, आ गया बोट, ये अब्दुलरहमान भाई दिखाए तो भट्टा चौक, उसने कह दिया जी नीचे आ जाए, तो इतनी ड्राइव है तो भाईजान अल्हम्दुलिल्लाह यही शशके हैं लाहौर के। तो सब अपने कमेंट में जरूर बताइएगा अपने अपने शहर का कोई अच्छी खूबसूरत चीज़, जो हमारे लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी रोड है और सब लोग अच्छे हैं। हम दूसरे शहरों में भी ट्रैवल करते हैं तो उन लोगों के, उन शहरों के लोग भी बड़े अच्छे हैं। उसकी वजह ये है कि इंसान खुद ठीक होना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम ठीक हैं ना तो हमें, मुझे कभी ज़िंदगी में भी कोयटा तक भी मैं गया हूँ, कराची तक भी गया हूँ, तो मुझे कभी भी प्रॉब्लम नहीं आई, कभी भी मुझे कोई गलत बंदा नहीं मिला, उसकी वजह कि मैं खुद ठीक हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने अपने शहर की, हर बंदा कमेंट्स में बताइएगा कि आपके शहर में क्या चीज़ फेमस है। जैसे हमारे लाहौर में बहुत सी चीज़ें फेमस है, खाना फेमस है, रोड अच्छे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनके ऊपर भाई गाड़ी जो होती है तो फिर रोड पे जैसे खूबसूरत है वैसी खूबसूरत गाड़ियाँ तैयार करता है ऑटो चैनल वाला। तो ये रिंग रोड हम उतरने लगे यार, इतना सा सफर था। उसने ये देखें टर्न दे दिया कि भट्टा चौक इधर है, ये सामने बोर्ड दिखाए तो हम लोग भाई जान ये अभी ये एक ब्रिज से ऐसे घूमेंगे तो रिंग रोड से नीचे, और बेहतरीन सफ़र है और बड़ा मज़ा आया। और ऑलमोस्ट हमें लगे होंगे 5 से 7 मिनट अब्दुलरहमान भाई, 6 मिनट होने लगे भाईजान, 6 मिनट होने लगे हैं जी। 6 मिनट में हम लोग ने भाईजान पूरा ट्रैवल कर लिया और हरबंसपुरा से भट्टा चौक उतर गए हम लोग। और ये वैसे ही लोकल सफर करें तो अब्दुलरहमान भाई 1 घंटे ही पक्का भाईजान, 1 घंटे से भी ज़्यादा लग जाता है जितना रश होता है। सही है, क्योंकि सुबह टाइम बहुत ज़्यादा स्कूल की छुट्टियाँ वगैरह होनी होती हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा रश होता है। मतलब अभी तो फिर भी ऑफिस भी रश भी आ जाता है। हाँ जी, लो जी माशाल्लाह रिटेलिंग सेंटर पे पहुँच गए हम लोग फाइनली। अभी फहद भाई से भी आज बात करेंगे, टेस्ट ड्राइव तो होगी मुकम्मल इस गाड़ी की, अभी बात करेंगे इसकी ग्लास कोट की डिटेलिंग की। तो फहद भाई इधर होते हैं जो ओनर है इसकी इधर इस अदारे के, तो इंशाल्लाह फाइनली इनसे बात करेंगे। तो हम लोग पहुँच चुके हैं भाई डिटेलिंग सेंटर पर, चले मैं उन्हें कॉल दूँ, ये गाड़ी बनवानी है भाई, बना देंगे बनाने के लिए बैठे हैं। अच्छी क्वालिटी की करते हैं कि नॉर्मल करते हैं? क्या गारंटी देते हैं आप लोग? लो जी फहद भाई को कॉल की है जी, अभी देखते हैं कॉल उठाते हैं कि नहीं बैठा। लाइट गई हुई है अब्दुलरहमान इधर की जी, लाइट गई हुई है इधर, तो लड़के कर रहे हैं पार्टी, स्टिंग टाइम हो रहा है भाई जान इधर उनके लेबर का। नहीं साहब भाई, ये गाड़ी डिटेलिंग में पहुंच गई है यार आपकी, तो इंशाल्लाह इनका पेंट बूथ है जहाँ पे पेंट बूथ कहता हूँ ड्रिलिंग सेंटर है सारी, इसकी लाइटें ऑन हो सकती है किसान भाई? प्लीज़ इसकी लाइटें ऑन कर दे थोड़ी सी, हम अपने व्यूज़ को दिखा दें इसका सिस्टम। क्या बात है। तो किसान भाई इसके अंदर लगा के गाड़ी ड्रिल करते हैं, अंदर करके डिटेलिंग फाइनल ग्लास कोट जो लगाते हैं अंदर होता है, डिटेलिंग बाहर ही हो जाती है। तो जी साहब भाई गाड़ी पहुंच गई है आपकी भाई जान, तो माशाल्लाह भाई के पास पहले भी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, तो सर 3-4 दिन लगेंगे किसान भाई गाड़ी पे? और अच्छा काम चाहिए यार, टाइम का इशू नहीं है, क्वालिटी वाला बिल्कुल जीरो जीरो। मैं फहद भाई से भी बात कर लूँगा, तो आपके वाले गाड़ी ये चाबी दे दी है मैंने आपको, तो मुझे इजाज़त दें, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। नहीं जी हम लोग निकल रहे हैं वापसी के लिए, और मैं और अब्दुल अभी तक अब्दुलरहमान भाई हैं, और सर हमें लेने अभी तक नवीद भाई नहीं आए, आए नहीं है, तो पैदल वॉक करते हैं यार, आज थोड़ा पेट भी कम होगा तो इंशाल्लाह। मेरा तो भजन पहले ही कम है, मेरा तो पहले ही कम है। चलें ओके हो गया भाईजान, अभी मिलते हैं इंशाल्लाह फाइनली। तो जी वेट कर करके हम लोग माशाल्लाह भाई सड़क पे खड़े हो गए, ज़रा लेट थे नवीद भाई, तो वेट कर करके हम ज़रा खड़े हो गए थे, तो मैंने खाना खा लिया था, तो अब्दुलरहमान भाई ने खाना खाना था, तो भाईजान ये खा रहा है बिरयानी आया सेवर फूड के ऊपर भट्टा चौक ब्रांच पे, और खाना अच्छा भाई, सेम टेस्ट है जो हमारे पास है वैसे का ही है जी भाई जान। ये फिजान भाई ने मिनट मंगवाया था, तो फिजान भाई का आ गया, वेट कर करके
इतना वेट नहीं करना पड़ा अब्दुल रहमान भाई जितना उधर सड़क पे रोड पे करना पड़ा नवीद भाई का। अभी फाइनली नवीद भाई आएंगे फिर निकलेंगे यार इंशाल्लाह माशाल्लाह मेंट बहुत मजा आएगा।